सो गाइज, अगर आप यहाँ पर एक फ़ोन अच्छा ले लेते हैं लेकिन उसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा ना हो तो टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है ख़राब हो ही जाता है, जैसे कि MIUI के केस में हो जाता है। Xiaomi के फ़ोन अच्छे होते हैं, स्पेक्स अच्छी होती है लेकिन सॉफ्टवेयर ख़राब होता है, तो ओवरऑल जो है यूज़र का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बट आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, Xiaomi का एक भाई है Realme जो है चाइनीज़ कंपनी, अगेन यहाँ पर जो है उसमें Realme UI 2.0 आया, सो कैसा है उसका परफॉर्मेंस, क्या क्या चीज़ें आपको देखने मिलती है, सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो आखिर तक देखते रहिए ताकि आपके सारे डाउट्स यहां पर क्लियर हो जाएं। एंड हमने जो है अपना डिस्कॉर्ड सर्वर भी बना लिया है, जल्दी जाके वहां भी ज्वाइन हो जाइए, वहां पर भी रंगीनियां मचा लेंगे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए रियलमी करते हैं। सबसे पहले यहां पर बात करें इसके बूट एनिमेशन के बारे में, तो बूट एनिमेशन सबसे पहले यहां पर हम दिखा देते हैं आपको। तो यही है इसका सिंपल सा बूट एनिमेशन। नाउ यहाँ पर अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है इसका लॉन्चर एंड एनिमेशन जो जो यहाँ पर यूज़ हुआ है। सो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं लॉन्चर आपको सिंपल यहाँ पर गूगल नाउ जैसा ही लॉन्चर देखने को मिल जाता है, ऐप विड्रॉल करने का ऑप्शन मिलेगा एंड इवन आप इसे डिसेबल करके नॉर्मल आप यहाँ पर इसे स्लाइड वाला भी बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं। मेरे को ज़्यादा प्रेफरेबल यही है तो मैंने यही इसे सेट कर रखा है इस टाइम पे। बेसिकली एक ये रियलमी का ही लॉन्चर है एंड यहाँ पर आप स्क्रीन में प्रेस करके रखेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। सो आप यहाँ पर से इन सभी को हटा सकते हैं एंड यहां पर जो है आइकन को उठा के यहां से डिलीट कर सकते हैं या कहीं और पेज में भेजना है। उसके बाद नीचे साइड में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे वॉलपेपर आइकन्स, लेआउट, विजेट, ट्रांजिशन एंड मोर। सो वॉलपेपर तो आपको नॉर्मली कुछ वॉलपेपर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, स्टैटिक्स एंड लाइव वॉलपेपर यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आइकन्स में आएंगे तो आपको जो है यहाँ पर तीन ऑलरेडी आइकन यहाँ पहले से ही देखने को मिलते हैं, एक है डिफॉल्ट वन, उसके बाद है मटीरियल स्टाइल, उसके बाद आता है पेबल। एंड आइकन के साथ साथ आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर आर्ट प्लस आइकन को आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं या यहाँ पर आप आइकन का साइज वगैरह आपको बढ़ाना हो तो यहाँ से बड़ा कम सकते हैं, ऐप ने मात्र उससे भी आप यहां पर से कम ज्यादा कर सकते हैं। एंड यहां पर कस्टम में जाने के बाद आप आइकन का शेप वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। सो आपको ऐसा रखना है, जैसा भी रखना है। उसके बाद आप यहां पर जो है फोरग्राउंड को कम कर सकते हैं, मतलब आइकन के बीच में जो आइकन आ रहा है उसे भी कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। नाउ विजेट्स भी जो है आपको इतने एरिया में ही देखने को मिलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आधे स्क्रीन में ही देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमने स्प्लिट स्क्रीन ऑन की है लेकिन ऐसा नहीं है। एंड बाकी सारे जो एसेंशियल यहाँ पर चीज़ें रहती वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जैसे डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन या ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इसके बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे। सो ये सारे ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एंड यहीं पे बात करें ऐप एनिमेशन की तो ऐप ओपन ऐसे होता है एंड क्लोज ऐसे होता है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें रीसेंट पैनल में कैसे जाना है तो रीसेंट पैनल में ऐसे जा सकते हैं एंड यहाँ पर इस पर क्लिक किया तो यहाँ आ जाएंगे, देन यहाँ पर ऐप स्विच के बीच में आपको ये एनिमेशन देखने को मिलता है। सो ये एक अच्छा खासा एनिमेशन तो नहीं बोलूंगा, मिनिमलिस्टिक बिल्कुल लुक आपको देखने को मिल जाता है, बहुत ज़्यादा भी यहाँ पर एनिमेशन नहीं है। उनमें जो है ब्लोटवेयर्स ना हो तो कंपनी वालों को फायदा कैसे, उन्हें भी अपनी मार्केटिंग करनी है, तो यहाँ पर कुछ ब्लोटवेयर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। बट ये अच्छी बात है कि हम इन्हें हटा सकते हैं, जैसे यहाँ पर इसे अनइंस्टॉल कर दिया। नेटफ्लिक्स में जाएंगे तो नेटफ्लिक्स को हम नहीं हटा सकते, इनको क्या लग रहा है कि हमारे पास सबके पास नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप है। सो यहाँ पर कुछ कुछ ऐप्स के साथ जिनके साथ ज़्यादा पार्टनरशिप है उनको इन लोगों ने सिस्टम ऐप ही बना दिया है, तो यहाँ पर हम इसके अंदर भी जाएंगे तो भी यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं है। उसके बाद यहाँ पर बात करें नोटिफिकेशन पैनल की या कंट्रोल सेंटर बोल लीजिए या क्विक सेटिंग टाइल्स बोल लीजिए, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है। ऊपर में यहाँ पर जो है इतने एरिया में वॉच देखने को मिलती है, डिजिटल क्लॉक है एंड यहाँ पर ये इसलिए दिया है ताकि आप एक हाथ से सारे फंक्शन को यहाँ पर ईजिली इनेबल कर पाएं। कई बार क्या होता है जब ऊपर होती तो हमें फ़ोन कुछ इस टाइप से यूज़ करना पड़ता है। बाद आपको नोटिफिकेशन पैनल काफ़ी सिंपल लुक में देखने को मिल जाता है, सैमसंग के वन UI की ये मेरे को बेसिकली याद दिलाता है। एंड यहीं पर अगर आप किसी भी आइकन में क्लिक वगैरह करेंगे तो आपको हल्का सा एनिमेशन शो होगा, जैसे मैं दिखा देता हूं। उसी के साथ साथ यहाँ पर जैसे ही आप डार्क मोड को इनेबल डिसेबल करेंगे आपके सामने बीच में एक जो है विंडोज ही खुल जाएगी एंड दिखाएगी कि ये आपका जो है डार्क से लाइट मोड में स्विच हो चुका है। वहीं पे वॉल्यूम पैनल जो है आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है, यहाँ पर से आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं एंड काफ़ी मिनिमलिस्टिक लुक में आता है ये। अगेन पावर मेन्यू आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है, अगर ऊपर को स्लाइड करेंगे तो रीस्टार्ट होगा, नीचे को पावर ऑफ होगा। यहाँ पर बढ़ते हैं अगले सेगमेंट में जो है सेल्फी मैंने ले ली आज और गैलरी के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पर कैमरा ऐप जो है टिपिकल जो कैमरा ऐप आपको देखने को मिलता है वही यहाँ पर सेम आपको Realme UI 2.0 में भी देखने को मिल जाता है। एंड फोटो वगैरह में जो है आपके सामने यहाँ पर लेंस का ऑप्शन है, सो ये गूगल लेंस ही है बेसिकली।
लास्टली एंड वहीं पे आपको ब्यूटी मोड भी मिल जाता है। थोपड़े में बहुत ज़्यादा AI ब्यूटिफिकेशन करनी है, स्मूथ चेहरा चाहिए तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। उसके साथ साथ ऊपर में आपको HDR AI एंड यहाँ पर फिल्टर्स वगैरह भी कुछ देखने को मिल जाते हैं। इवन ये जो फिल्टर्स हैं ये वीडियो मोड में भी काम करते हैं। सो यहाँ पर काफ़ी जो है अच्छे अच्छे फिल्टर्स हैं, जैसे हमें खाली येल्लोपन देखना हो और पूरी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट हो तो आप ऐसे कुछ यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक जो है इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। नाउ मोर में आने के बाद आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें आपको एक इंटरेस्टिंग फीचर मिलेगा, ड्यूअल व्यू वीडियो। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा भी चालू हो जाएगा एंड बैक कैमरा भी चालू हो जाएगा, दोनों की आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है इसमें बैक कैमरा है, इसमें फ्रंट कैमरा है, सो ड्यूअल वीडियो एक साथ यहाँ पर शूट हो रही है। आपके जीवन में रंगीनियां मच चुकी हैं। प्रो मोड मिल जाता है, मूवी मोड मिल जाता है एंड बाकी सारे यहाँ पर नेसेसरी मोड्स भी आपको देखने को मिलते हैं। नाउ यहाँ पर बात करें गैलरी की, तो गैलरी भी यहाँ पर आपको नॉर्मल टिपिकल गैलरी जैसे देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहां पर कोई भी फोटो खींचते हैं तो उसमें जो है आप यहां पर एडिट वगैरह भी कर पाएंगे। रिसेंटली डिलीट वाला ऑप्शन भी यहां पर है एंड एक्सप्लोर में जाके आपको एक डॉक वॉल्ट करके भी एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें जो हमने पासवर्ड लगा रखा है अपना यूनिवर्सल पासवर्ड 123456 एंड यहां पर जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन वगैरह, ये सब आप यहां पर छुपा सकते हैं। इवन फोटोज वगैरह भी छुपा सकते हैं। सेटिंग्स जो है काफी मिनिमलिस्टिक सेटिंग है। यहां पर मैंने जो थीम अप्लाई की है उसमें पर्पल यहां पर जो है आइकन के कलर आता है। अबाउट फोन में आपको सारे फोन की इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट आएगा तो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट में देखने को मिल जाएगा। इवन यहां पर आप जो है ट्रायल वर्जन भी यूज कर सकते हैं। आपको रियलमी आईडी डालनी पड़ेगी, अगर कोई भी ट्रायल वर्जन अवेलेबल होगा तो यहां पर आपको दिखा देगा। जैसे आप यहां पर पर्सनलाइजेशन में जाएंगे तो आपको ये पूरा विंडो खुला हुआ मिल जाएगा। यहां पर आप अपने फोन को अच्छे से पर्सनलाइज कर सकते हैं। प्लस यहां पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में एक अच्छी बात है कि आप अपना कस्टम AOD भी बना सकते हैं। सो यहां पर कस्टम पैटर्न बनाए, टेक्स्ट बनाए, टेक्स्ट एंड इमेजेस, सो हम कस्टम पैटर्न बनाते हैं। यहां पर जो है आपको एक इंटरेस्टिंग फीचर दिखाता हूं। यहां पर हमने सेलेक्ट कर लिया शेप ये, तो यहां पर जो है पेंट ब्रश पे आ जाते हैं हम लोग, ये सेलेक्ट करते हैं। इसको करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो यहां पर आपको क्या क्या शो करना है एंड हम इसे अप्लाई कर देंगे। ऐसे आप अपने जानू मानू शोना मोना कुत्ते बिल्ली जिसका भी नाम लिखना चाहे लिख सकते हैं, फोटोज लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्टाइल कैसा चाहिए आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलते हैं। आपको यहाँ पर एक्सेंट कलर कैसा चाहिए तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। एज लाइटिंग का भी ऑप्शन है, सो यहाँ पर जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको इस टाइप की कुछ एज नोटिफिकेशन की लाइट दिखाई देंगी। पर नोटिफिकेशन ड्रॉअर आपको कैसे चाहिए, उसमें आइकन्स कैसे होने चाहिए, तो वो भी आप यहां से सेट कर सकते हैं। मैंने यहां पर जो है गोल लगाए हैं, हमें अपने जीवन में गोल से बहुत ज्यादा प्यार है, चाहे टीचर ने हमें गोले मार्क्स क्यों ना दिए हों। साउंड एंड वाइब्रेशन में आपको यहां पर डॉल्बी एटमॉस भी मिल जाता है एंड ये जो है एक अच्छी बात है कि आपका ये जो है ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह के साथ भी वर्क करता है। तो यहां पर रीसेंट मेन्यू में जाके आप जो है यहां पर फ्लोटिंग विंडो बना सकते हैं, मिनी विंडो बना सकते हैं यहां पर। सो यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन अगर आपको यूज़ करना है तो आपको सिंपली फिंगर को ऊपर को करना है एंड आपका जो है यहाँ पर स्क्रीन स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा आप ऐप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो स्प्लिट स्क्रीन के लिए भी आपको जो है नीचे करेंगे तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेगा, ऊपर करेंगे तो यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन हो जाएगा। यहाँ पर से जस्ट आप इसे स्वाइप करेंगे टू लेफ्ट, आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फीचर आपको मिलता है, एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे तो प्रोसेस मैनेजर करके एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर जितने भी प्रोसेस इस टाइम पे चल रहे हैं वो आपको यहाँ पर शो करेगा। सो बीच में कोई भी फालतू ऐप यहाँ पर गेमिंग करते टाइम या कुछ भी करते टाइम अगर आपको सबको बंद करना है एक साथ, आप सिंपली यहाँ पर इस ऐप को क्लिक करेंगे, एंड ऑल करेंगे, सारे के सारे यहाँ पर फोर स्टॉप हो जाएंगे। सो यहाँ पर ये अच्छी बात है कि आपको इनबिल्ट ये फीचर मिलता है, कोई भी एडिशनल ऐप डालने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली ये काफी काम आने वाला है। प्लस यहाँ पर आपको हेट टैप क्लाउड करके ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप अपनी फोटोज वगैरह सारी चीजें कॉन्टेक्स्ट वगैरह ये सब बैकअप कर सकते हैं, जस्ट लाइक एक बैकअप क्लाउड सर्विस है जो रियलमी के थ्रू प्रोवाइडेड है। रियलमी लैब्स में कुछ यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल फीचर्स हैं, वो यहाँ पर ये लोग टेस्ट करते रहते हैं, मे बी वो वर्क करेंगे नहीं करेंगे, डिपेंड्स। इवन यहाँ पर अगर आप इन सारी सेटिंग से संतुष्ट नहीं है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर थीम वगैरह लगा सकते हैं, थीम स्टोर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें जो है मैंने एक चीज देखी है कि कुछ कुछ थीम्स यहाँ पर जो है पैसे दे के खरीदनी पड़ती है, बट उन्हें आप पहले यहाँ पर ट्राई आउट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको एडवाइस करूंगा कि कोई भी थीम वगैरह अप्लाई मत कीजिए, आपको बेस्ट परफॉर्मेंस तभी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको एक गेम स्पेस करके भी ऐप देखने को मिल जाएगा जिसमें आपके सारे गेम्स वगैरह रहेंगे। ऑल दो यहाँ पर गेम बूस्टर को जो है मैं इस पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता क्योंकि ये जो है कुछ भी नहीं करते, खाली रैम फ्री कर देते हैं जिसे हम मैन्युअली भी कर सकते हैं।
सो गाइस यहाँ पर ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में बात करें इस यूआई का जो है मैं पिछले कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ पर जो है सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी एंड मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ये यूआई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है ऑप्टिमाइज्ड है। आपका ऐसा नहीं हो रहा है कि आपने 3-4 ऐप खोले उसके बाद जो है आपका गेमिंग में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या किसी और ऐप के एप्लीकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं आती है। तो यहाँ पर जो है रियलमी यूआई जो है 2.0 काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। हीटिंग का इशू बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला। मैंने गेमिंग टेस्ट भी किया इस फोन के साथ, 45 डिग्री के ऊपर गया ही नहीं टेंपरेचर 1 घंटे के कंटिन्यूअस यहां पर गेमिंग के बावजूद। सो यहां पर जो है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। आई होप सो यहां पर जो है एक चीज का कंसर्न है मेरे को कि यहां पर अपडेट जो है रेगुलरली मिले। अपडेट्स में ऐसा नहीं होना चाहिए कि फोन नया लॉन्च हुआ है तो 2-3 महीने तक अपडेट दिया उसके बाद बंद हो जाए। इस चीज को जो हम लंबे टर्म वाले रिव्यू में कवर करेंगे। सो उसके अलावा यहां पर क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है एंड मैं बात करूंगा अगर MIUI के साथ कंपेयर करूं तो उससे जो है डेफिनेटली ये बेटर है। यहाँ पर लैग वगैरह क्रैश वगैरह ऐप कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। होप सो वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग धसवाड़ वीडियो साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।